हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दीप्ति, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं लेफ्ट ओवर राइस से बड़े की रेसिपी। जी हां, यहां पर बचे हुए चावल से हम बनाकर रेडी करेंगे इंस्टेंट प्रॉम्प्ट हमारे बड़े, और ये आप चटनी के साथ, सांभर के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो राइस है इनको हम मिक्सर में थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लेंगे और इस टाइप का हमें पेस्ट मिल जाएगा। और इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। और ये देख सकते हैं आप कि जो मैंने चावल है उसको हमने निकाल लिया है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिली और एक बड़ी साइज का अनियन। और इसमें आप करी पत्ता, धनिया जो भी हो वो भी आप डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। जी हाँ, चावल का आटा डालने से जो इसका जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, सही हमारा कंसिस्टेंसी का बैटर बनकर रेडी होगा। और इस चावल को, आटे को आपको लगभग इतना मिक्स करना है कि इसका एक डो फॉर्म बन जाए, थोड़ा हल्का सा डो फॉर्म, जिससे कि आप इसके बड़े बनाकर रेडी कर सकें। और इससे क्या होगा, चावल के आटे से, राइस फ्लोर से हमारा जो बड़े हैं बहुत ही कुरकुरे बनेंगे। तो अब हम जो हमारे हाथ है उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा भी डाला है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है बड़े में। और आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें रोल करना है पहले, और फिर फिंगर की हेल्प से इसके बीच में हमें एक होल करना है, जैसे कि हम बड़ा बनाते हैं। और हमारा बड़ा सांभर के लिए बड़ा इंस्टेंट बनकर रेडी हो जाएगा प्रॉम्प्ट। अगर आपके पास ये रात के बचे हुए चावल हैं तो सुबह आप ब्रेकफास्ट में ये बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो अब इसको हम फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी होने तक, दोनों साइड से अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिए विथ माई रेसिपी। और अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर करें, इससे वो भी इस चीज को बनाकर रेडी कर सकें और अपने घर में बचे हुए चावलों से एक नई डिश प्रिपेयर कर सकें। तो ये देखिए हमारे जो बड़े हैं बिल्कुल बनकर रेडी हो गए हैं। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसे लगे ये बड़े। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से जल्दी बन जाते हैं। और नॉर्मल जो बड़े होते हैं उसके लिए हमें दाल वगैरह भिगो कर रखनी पड़ती है, पर ये आप अगर बनाकर रेडी करेंगे राइस के साथ तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप सूखे भी इनको ऐसे ही खाएंगे तो भी बहुत ही मजेदार और क्रिस्पी लगते हैं। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए विथ माई रेसिपी। ये देखिए अब हम इसको निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पर, जिससे कि एक्सेस जो ऑयल है वो निकल जाएगा और हमारे जल्दी वाले फटाफट हमारे बड़े बनकर रेडी हो गए हैं। इफ यू लाइक माय रेसिपी प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फैमिली फ्रेंड्स। और ज्यादा से लोगों को शेयर जरूर कीजिए, इससे वो भी ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।